जय सियाराम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। प्राणी द्वारा अंत समय अच्छे कर्म करने का वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की समस्त परलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को किस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसका वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने बताया, हे ताक्ष, मनुष्यों की भलाई की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कार्य हैं, वह मैं सब तुम्हें बताता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की विपरीत देखकर और प्राणवायु का नाद ना सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य को छोड़कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित करने का उपाय करना चाहिए। जब अंत समय निकट आए तब स्नान कर शालिग्राम स्वरूपी भगवान का पूजन करें। गंध, पुष्प, केसर, तुलसी पत्र, धूप दीप, नैवेद्य, लड्डू आदि से पूजन करना चाहिए। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नारायण। द्वादशाक्षर मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु और शिव जी का स्मरण करें। हरि का नाम श्रवण करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी व्यक्ति का अंत समय नजदीक आ जाने पर उसके बंधु बांधव शोक ना करें, बल्कि भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण कराएं। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप बैठा हो तो उसे उपरोक्त 10 नामों का कीर्तन करना चाहिए। वे ही उसके सच्चे हितैषी कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलकारक नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है, उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा था, जिससे उसका उद्धार हो गया था। इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का नाम उच्चारण करने वाले का बहुत कुछ उद्धार हो सकता है। दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति भी हरि का स्मरण करता है तो श्री हरि उसके भी पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म करती है, हे गरुड़, हरि का नाम लेने से पापी के नाश करने में शक्ति रखता है। वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया है, फिर भी यदि एक बार भी हरि का नाम का उच्चारण करने से सब पापों का नाश हो जाता है, उनके नाम में ऐसी शक्ति है। यमराज ने भी दूतों से कहा, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले आना। जो हरि का नाम उच्चारण करे उसको इस लोक में मत लाना। जो अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, इन नामों का उच्चारण करे, हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पद्म को धारण करने वाले, आप संसार के रक्षक हो। इस तरह कहने वाले पाप रहित पुरुषों को यहाँ मत लाना। ऐसे मनुष्यों को लाना जो बाहर और भीतर विमुख रहने वाले दरिद्रियों को सेवित मुकुंद भगवान के चरणाबिंद की भांति से विमुख पुरुषों, नरक के द्वार भूत तथा तृष्णा दुक्त पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना। जिनकी जीव भगवान श्री कृष्ण के गुण और उनके नाम का कीर्तन नहीं करती तथा उनका मन भगवान के चरणाबिंद का स्मरण नहीं करता और सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता,
ऐसे पापी पुरुष को यमलोक में ले आना। इसलिए हे पक्षिन्द्र गरुड़, संसार में मंगल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अत्यधिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा समझो। पाप को हटाने के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित करें, परंतु प्रायश्चित श्री कृष्ण से विमुख पुरुषों को पवित्र नहीं कर सकते। जैसे मदिरा के घट को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को नहीं दिखाता, यमराज तथा उसके दूत स्वप्न आदि में भी नहीं दिखाई देते, तब प्रत्यक्ष कैसे दिखेंगे? अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गोदान किया या ब्राह्मण के मुंह से नंद ऐसी वाणी को सुना हो, वह व्यक्ति रुधिर मांस युक्त वैतरणी नदी में नहीं गिरता। इसलिए श्री कृष्ण को स्मरण करें, जिससे अनेक जन्मोपार्जित पाप का नाश हो जाए, और फिर गीता तथा सहस्त्र नाम का पाठ करें या इसे ब्राह्मण से सुने। अंत समय में एकादशी व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी के पत्ते, विष्णु पादोदक का स्मरण करें, ये मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक अन्न स्वर्ण दान कर स्वर्ण दक्षिणा सहित वेदवित ब्राह्मणों को 100 वत्सा गौ का दान करें। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है, और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस चीज का दान करूंगा, या वाणी से कहे, हे पिता, मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा। वह अनंत गुण वाला हो जाता है। अच्छे पुत्र को चाहिए कि पिता के अंतिम समय में सभी तरह का दान कराए। लोक में धर्मज्ञ व्यक्ति इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंखें मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। उत्तम पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो, तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर आतिवाहिक शरीर से भी परलोक के रास्ते में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है। इसलिए तिल आदि अष्ट महादान अवश्य करें। तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्त धान्य, भूमि, गौ, यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि इस अष्ट दान को एक ही दिन में करें तो सर्वोत्तम है। यह अष्ट महादान महापातक बड़े पापों को नष्ट करने वाला है। इसको अंत समय में अवश्य कराएं। इसके फल को तुमको बताता हूँ, सुनो। श्री कृष्ण बोले, मेरे द्वारा उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं, वे बहुत ही पवित्र हैं। उनके दान देने से सब असुर, दैत्य, दानव तृप्त हो जाते हैं। ये तिल श्वेत रंग, कृष्ण रंग और कपिल रंग के होते हैं। उनके दान देने से मन, वचन आदि से किए हुए सब पापों का नाश हो जाता है। लोहे का दान भूमि पर हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को प्राप्त नहीं होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति के निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान करना बताया गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान अवश्य करना चाहिए। कर्ण, श्याम सूत्र, सुडाम, उदुम्बर, शेष बल इत्यादि यमदूत लोह दान से प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त उत्तम दान के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। जिस दान से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल स्थित सब खुश होते हैं,
ब्रह्मादि देवता ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब स्वर्ण का दान करने से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। अतः स्वर्ण दान अवश्य करें। प्रेतोद्धार के लिए स्वर्ण का दान अवश्य करें, जिससे प्रेत यमलोक में ना जाकर स्वर्गलोक में जाए। बहुत समय तक यज्ञ लोक में निवास करने के बाद फिर व्यक्ति मनुष्य लोक में राजा रूपवान, धर्मज्ञ, वाचाल, लक्ष्मीवान, बड़ा पराक्रमी होता है। रुई के दान से यमराज के दूत का भय नहीं रहता। लवण दान से यमराज का भय समाप्त हो जाता है। लोह, लवण, कपास, तिल, स्वर्ण दान से यमपुरवासी चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सप्त धान्य का दान करने से धर्मराज और यमपुरी के तीनों द्वारों पर नियुक्त द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकून या कंगनी के चावल और चना, ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो आदमी गोचर्म मातृभूमि 100 गाय 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गौचर्म कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है। वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप ना व्रतों से, ना तीर्थ यात्रा से और ना अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही समाप्त होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, भूमि दान बिना और दान अत्यंत अल्प फल देने वाले हैं। पृथ्वी दान दिन प्रतिदिन बढ़ता है, इससे भूमि दान अवश्य करें। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान नहीं देता, वह जन्म जन्मांतर में ग्राम में कुटी ना मिलकर दरिद्री होता है। जो स्वामी का अभिमान रख वास करने के लिए कुछ भी पृथ्वी का दान नहीं करता, वह शेष जी जब तक भूमि धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेगा। इसलिए भूमि का स्वामी होकर पृथ्वी दान अवश्य करें। और जो पुरुष हैं उनको भूमि दान ना देकर गौदान देना, यह हमारा मत है। अंत समय में रुद्र धेनु, ऋण धेनु, मोक्ष धेनु आदि गोदान करें। वैतरणी धेनु 100 विधि दें। हे गरुड़, ये गोदान मनुष्य के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप त्रित विधि रहित करता है। बालकपन में, कुमारपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, रात्रि में तथा प्रातः समय, दोपहर के समय, तीसरे प्रहर, संध्या समय और जन्म जन्मांतर में भी जो कुछ पाप मन, वचन, काया से किए हो, उनकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली 100 वत्सा कपिला दक्षिणा सहित तपस्या, व्रत आदि युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से सब पाप छूट जाते हैं और अंत समय में वही उद्धार करने वाली होती है। स्वस्थ चित्तावस्था में दी गई 1 गाय, आतुरावस्था में दी गई 100 गाय और मृत्यु लोक में चित्त विरजित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गाय के दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ पर स्वास्थ्यावस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सत्पात्र को दी गई 1 गाय का दान 1 लक्ष गोदान के बराबर होता है। सुपात्र को दान देने से लक्ष्य गुण फल होता है और देने वाले को अनंत गुण फल होता है। सुपात्र को
प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता। वेदाध्ययन वैश्व देवादि यज्ञ कर पारायण भक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे तथापि प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगता। सर्प बिच्छू आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और अग्निदेव सबकी शीत दूर कर देते हैं। इन दोनों को भी कोई पाप नहीं लगता, लेकिन कुपात्र को गोदान देने से दाता नरक में जाता है। कुपात्र लोभवश यदि गोदान ले लेता है तो उसकी 100 पीढ़ी तक पीतर नरक में जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने कल्याण के लिए कुपात्र को दान कभी ना दें। एक गौ का दान ही ब्राह्मण को देना चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई या बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के वंश का नाश कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमको मैंने पहले वैतरणी नदी का इतिहास बताया था, अब उसको पार करने का उपाय रूप गोदान ही है, उसकी विधि बताता हूँ। काली या कपिला गौ को अलंकार आभूषण आदि से सजाकर, सिंगों पर स्वर्ण चढ़ाकर और खुरों को चांदी से मढ़वा कर तथा दूध दुहने के लिए कांसे का पात्र देना चाहिए। काले वस्त्र से गौ को आच्छादन कर गले में घंटी बांधकर और कपास के ऊपर वस्त्र सहित एक ताम्र पात्र को रख उसके ऊपर लोह दंड के सहित स्वर्ण से निर्मित यमराज को स्थापित कर भृत्य से भरे एक कांसे का पात्र रखें। उस जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरें। उसकी वैतरणी नदी संज्ञा है। उसको रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर तैराएं। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मण को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करें। गौ की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। आप ही भगवान संसार समुद्र में डूबे हुए त्रिविध ताप से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ भूमि देव मेरा उद्धार कर दक्षिणा सहित वैतरणी जो गौ मैंने आपको दी है उसे नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में सत्योजन वैतरणी नदी को तीरने की इच्छा कर वैतरणी तरण रूप गोदान आपको दिया और नमस्कार करता हूँ। हे धेनु के, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वहाँ मेरी राह देखना, ऐसा तुमको मेरा नमस्कार है। गौए मेरे सामने पीछे हृदय में बसे और मैं गौओं के मध्य में रहूं। राजादिकों में जो लक्ष्मी है, वैसे इंद्रादिकों में जो लक्ष्मी है, वह सब धेनु रूप से तेरे में स्थित है। इसलिए तुम मेरे पापों आदि को दूर करो। हाथ जोड़कर और यमराज की प्रार्थना तथा प्रदक्षिणा देकर सब सामग्री ब्राह्मण को दें। हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वास्थ्य अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का उच्चारण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे गरुड़, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए हमेशा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषुव अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में,
घनिष्ठा, आद्रा आदि नक्षत्रों में चंद्रमा के रहने पर रविवार को पड़ने वाली अमावस्या युगादि तिथियों में युग के आरंभ की तिथि युगादि तिथि कहलाती है। सत्ययुग की प्रारंभिक तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया, त्रेता की आरंभिक तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी, द्वापर की प्रारंभिक तिथि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और कलयुग के आरंभ की तिथि माघा अमावस्या है तथा अन्याय पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण मिलने से श्रद्धा उत्पन्न होने से वही पुण्य काल है, क्योंकि लक्ष्मी अस्थिर है, शरीर नाशवान है और ऐश्वर्य भी सदा काल स्थिर नहीं रहेगा। वैसे मृत्यु अवश्य आने वाली है, इसलिए धर्म के कार्य अवश्य करें। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विस्तारानुसार दान देने से अनंत फल होता है। थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया जाए तो वह अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में साथ चलता है। दान रूप पाथेय से महामार्ग यमराज के मार्ग में सुख मिलता है और जिसने नहीं दिया वह बड़े कष्ट से यम मार्ग में जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वह यमलोक रास्ते के आगे मिलता है। महापुण्य प्रताप से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसको प्राप्त कर धर्म कर्म करने वाला सदगति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धार्मिक कार्य नहीं करता वह प्रत्येक जन्म में दुख प्राप्त करता है। धन पुत्र पत्नी आदि बंधुजन और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तभी तक बंधु बांधव और पिता का संबंध समाप्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा ही बार बार सोचती रहना चाहिए। मरने के अनंतर कौन दान देगा, ऐसा सोचकर अपने हाथ से ही दान करना चाहिए, क्योंकि शरीर अनित्य है। अतः मृत्यु के पश्चात कोई भी तुम्हारे निमित्त दान नहीं करेगा। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्र होकर लोहे की भांति या काष्ठ की तरह भूमि पर रख देते हैं तथा बाद में लकड़ियों में भस्म कर सब वापस आ जाते हैं। केवल धर्म ही साथ चलता है। मृत्यु के पश्चात धन संपत्ति आदि सब घर से ही साथ नहीं जाते और बंधुजन श्मशान भूमि से ही छूट जाते हैं। केवल उसके किए गए कर्म ही साथ चलते हैं। यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, परंतु इस शरीर से किए हुए कर्म ही मनुष्य के साथ चलते हैं। इस संसार में दुख रूपी समुद्र का कोई बंधु नहीं है। केवल कर्म संबंध से जीव आता है और कर्म क्षय से चला जाता है। माता पिता पुत्र बंधु पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान या नदी में बहने वाले काष्ठ समूह की तरह नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसका पुत्र, किसका पौत्र, किसकी पत्नी और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इस कारण से अपने हाथ में स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है, ऐसा जानकर धन का दान करें। धर्म करने से धन की प्राप्ति, धर्म से कामनाएं सिद्धि तथा धर्म से मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म का आचरण करें। श्रद्धा से धर्म होता है, पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निष्कंचन साधु जन केवल श्रद्धा से सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पत्र फूल फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयतामता द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ।
द्रौपदी ने साक, गजेंद्र ने पुष्प, सबरी ने फल बैर तथा रंतिदेव ने जल प्रदान कर भगवत कृपा प्राप्त की। इसलिए विधि विधान के साथ अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उसके पुत्र पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना और सगे भाई के निमित्त से किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। कितने की प्रकार के उपद्रव दान देने वाले को नहीं होते, नरक का दुख भी नहीं होता और अंत में यमदूतों का भय भी नहीं होता। जो अंत समय में लोभवश दान नहीं देते, वे कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं। अंत समय में पुत्र पौत्र भाई समान गोत्र के तथा जो मित्र हैं, वे सब वहां आकर यदि दान ना दे तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यहाँ पर आपका 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।